हाय, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जो है बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको इमिडिएटली डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो उसमें जैसे आता है कि एक तो बच्चे का काफ़ी टाइम से कोई भी वेट नहीं बढ़ा है, या बच्चे का वेट पहले बढ़ रहा था और अभी जो है कम होना शुरू हो गया है। अब जैसे फीवर वगैरह आता है तो उस पर तो थोड़ा सा कम हो जाता है, 2 4 दिन थोड़ा सा कम होगा, फिर उसके बाद फिर से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो दैट्स ओके। बट जो है वेट जो है लगातार बच्चे का कम होता जा रहा है, या बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल रहने लगा है कुछ दिनों से, या फिर बच्चे की एपेटाइट जो है सडनली कम हो गई है। टीथिंग टाइम पे यूजुअली होता है छोटे बच्चों में, लेकिन बड़ा बच्चा है उसकी एपेटाइट सडनली कम हो गई है, या बच्चे को जो है कोई क्रोनिक इलनेस है, तो हो सकता है लाइक अनीमिया है, बहुत सारी किडनी प्रॉब्लम है, बहुत ही सारी ऐसी डिसीजेस हैं जिनको जो है जिनकी वजह से बच्चे को भूख नहीं लगती है, या जो है बच्चे को बार बार लूज मोशन होता है, काफ़ी डिसीज रहती है लाइक सीलिएक डिसीज़ वगैरह, बच्चे को बार बार लूज मोशन हो जाता है, और भी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब काफ़ी सारे रहते हैं, या फिर बच्चा जो है बार बार उसको बुखार आता रहता है। 2 3 बार बुखार आना 1 ईयर में इट्स नॉर्मल, बुखार और सर्दी खांसी ये बच्चे को, हर बच्चे को होता है। एंड उसके बाद जो है बच्चा जो है बार बार उसको इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार बीमार पड़ता रहता है, तो आप जो है एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। तो इसके अलावा मेरा एक अलग वीडियो है कि बच्चे को भूख नहीं लगती है उसके क्या क्या कारण है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपको पता चल जाएगा कि अगर ऐसा कुछ है। एंड बच्चे को भूख बढ़ाने के लिए भी एक अलग वीडियो है, आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वैसे तो अगर आपका बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, तो आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर नॉर्मली कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे कॉमन रीजंस रहते हैं लाइक अनीमिया है, ये सब जो है इजीली रूल आउट हो जाता है, इजीली ट्रीट हो जाता है, और इससे बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है, बच्चे की एपेटाइट भी कम होती है। या फिर जो है आप जब भी नॉर्मली वैक्सीनेशन के टाइम जाते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर्स जो है एक बार वेट तो चेक करते ही हैं, तो उस टाइम भी आप हर बार रूटीनली चेकअप कराते रहिए। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ भी हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर जो है पूरा प्रॉपर चेकअप करके ही बताएंगे कि कुछ प्रॉब्लम है या जस्ट ऐसे ही, क्योंकि आजकल क्या है बच्चे काफ़ी एक्टिव रहते हैं तो उससे भी थोड़ा सा वेट कम बढ़ता है, लेकिन एक बार आप अपने डॉक्टर को दिखा के रिअश्योर हो जाइए।